पे टर्न करना है और जो मशीन स्टार्ट हो जाएगी। अरे वाह, तीन गियर फॉरवर्ड के गियर दिए गए हैं और इसमें सबसे बड़ी खासियत है हर गियर के बाद ये न्यूट्रल हो जाता है। आपको एक लाइन में बिल्कुल सीधा चलना है 90 डिग्री पे। अच्छा, ये डिफरेंशियल गियर से आप सीधा आप चला के बिल्कुल एक लाइन में सीधा चल जाएगा। हम की रोपाई करनी है वहाँ पे किचड़ होता है तो जहाँ पे आप वेट लगा के इसको हैवी कर सकते हैं। आप इसमें स्पेशल 5,000 का स्पेशल डिस्काउंट करेंगे। A few moments later. आदर आदाब, अभिनंदन आभार। मैं मानस और स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से सफरनामे में। दोस्तों, वीडियो होने वाली है हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा धमाकेदार। आप लोगों की खासी डिमांड पर मैं एक बार फिर से ये वीडियो ले आया हूँ। तो जो मेरे किसान भाई, फार्मर भाई मेहनत करते हैं यार, खून पसीना एक कर देते हैं फसल को उगाने के लिए, तो उन्हीं के लिए खास करके ये वीडियो होने वाली है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से दिल्ली से चढ़कर अहमदगढ़ पंजाब में आ चुका हूँ, राजा एंटरप्राइज पे, जहाँ पे आप लोगों को फार्मिंग से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड अलग अलग तरह की मशीनरी, टूल्स वगैरह सब कुछ बहुत ही रीजनेबल रेट में सारा कुछ मिल जाता है। उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो मतलब ये समझ लीजिए क्वालिटी में आप लोगों को कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। तो आज मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ राजा एंटरप्राइज पे। तो चलिए मिलते हैं राजा भाई से, देखते हैं इस बार की कौन सी मशीनरी हमको दिखा रहे हैं, कौन सा नया मॉडल होगा, सारा कुछ बताता हूँ आप लोगों को। तो राजा सर मेरे साथ आ चुके हैं, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। आज मैंने आपके माध्यम से इसका बैक रोटरी का आज उद्घाटन किया है, जिसका मॉडल नंबर हमने R150 किया है। ठीक है, इसमें क्या विशेषता है वो सारा आपको मैं बताने वाला हूँ। बिल्कुल जी, दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से न्यू मशीनरी, न्यू छोटे छोटे जो ट्रैक्टर्स होते हैं वो यहाँ पर लॉन्च होते रहते हैं, नए मॉडल्स आप लोगों के लिए बनते रहते हैं। मतलब जो लाखों के ट्रैक्टर नहीं ले सकते हैं वो इन छोटे से मशीनरी को लेकर के अपना काम काफ़ी ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो चलिए इस प्रोडक्ट के बारे में, इस ट्रैक्टर के बारे में डिटेल बताते हैं, ये किन लोगों के लिए खासकर यूजफुल होने वाला है, कौन इसको ले सकता है और अपना कैसा फार्मिंग का काम कर सकता है। सो देख सकते हैं इस तरह से न्यू ट्रैक्टर, न्यू मशीनरी सर के पास लॉन्च होती रहती है। तो सर ये मशीनरी बेसिकली किन काम के लिए चलेगी, कौन लोग इसको ले सकते हैं? भाई साहब ये पूरी फार्मिंग में काम करेगा, कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हार्ड से हार्ड मिट्टी में, ज्यादातर गन्ने की बुवाई होनी है आगे, गन्ने में गड़ाई करनी है, वहां पे इसका बहुत उपयोग है। आप बिल्कुल सीधा लेक लाइन में इसको तरीके से चला सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग थे वो थकावट महसूस करते थे, तो इससे कोई भी थकावट होने वाली नहीं है। एक बच्चा 10 साल का भी बच्चा इसको आसानी से चला सकता है। क्या बात है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से बैक रोटरी वाली मशीन आप लोगों को छोटे ट्रैक्टर के रूप में यहाँ पे बेसिकली मिलने वाली है। सर अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो क्या क्या फंक्शनिंग वगैरह दे रखी है इसके अंदर? भाई साहब इसमें जो फंक्शन है, पहले तो ये जहाँ से मैं शुरू करूंगा एक ही चीज बड़ा गौर से समझाऊंगा, ये सेल्फ के साथ भी है और बिना सेल्फ के साथ भी है। ठीक है, ये हमने हल्का सा जहाँ से टर्न करना है और ये मशीन स्टार्ट हो जाएगी। अरे वाह, इसी चाबी से इसको जो ऑफ हो जाएगा, ये रहा जी। क्या बात है, ये देखिए दोस्तों इस तरह से आप सेल्फ से भी इसको स्टार्ट और ऑफ कर सकते हैं। ये अगर किसी फार्मर ने सेल्फ के साथ नहीं लेना चाहते हैं, इसको रस्सी से भी स्टार्ट किया जा सकता है, जैसे कि अभी मैं आपको खींच के दिखाऊंगा जी। बिल्कुल जी, बड़ा इजी है जी, हल्का सा किक स्टार्ट करना है और इसमें स्टार्ट हो जाना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, और जहां से ही आपने इसको ऑफ कर देना है। ठीक है जी, और इसमें सबसे बड़ी बात है इसमें तीन गियर फॉरवर्ड के गियर दिए गए हैं और इसमें सबसे बड़ी खासियत है हर गियर के बाद ये न्यूट्रल हो जाता है। अरे वाह, ये देखिए दोस्तों जी, मतलब ऑपरेशन की बात करूँ काफी इजी, आप लोगों को इजी टू यूज रहने वाली पूरी मशीन है। और सबसे बड़ी बात है जैसे कि आपने जो यहाँ पे फॉरवर्ड गियर लगा दिया, इसको बैक करना है, आपको इसको न्यूट्रल करने की जरूरत नहीं है, जहाँ से हल्का सा आपने ऐसे कर देना है और ये बैक आना शुरू कर देगा, बैक आ जाएगी। और इसमें और भी इसकी खासियत ये है, इसमें डिफरेंशियल गियर है, आप एक लाइन में बिल्कुल सीधा चलना है 90 डिग्री पे। अच्छा, डिफरेंशियल गियर से आप सीधा आप चला के बिल्कुल एक लाइन में सीधा चल जाएगा, ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भड़कने वाली है जी। मतलब
मैं बात करूं तो फार्मर भाइयों के लिए कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, फॉरवर्ड बैकवर्ड जैसा भी आप चाहो वैसा आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसको इसमें डिफरेंशियल गियर दिया गया है, आप एक चक्का घुमा लीजिए दूसरा चक्का घुमा लीजिए कैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि बड़े ट्रैक्टरों में होता है डिफरेंशियल गियर वही इसमें गियर दिए गए हैं। और जैसे कि आप ये टायर देख रहे हैं इसमें ये बेट लगाने के लिए ये होल किए गए हैं, अगर कीचड़ आ गया आपने धान की रोपाई करनी है वहां पे कीचड़ होता है तो जहां पे आप बेट लगा के इसको हैवी कर सकते हैं ताकि दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है ये 10 HP का इटालियन सीरीज का इंजन इसमें लगा हुआ है और इसकी जो पीछे रोटरी लगी हुई है ये अभी आपको मैं नाप के दिखाऊंगा रोटरी, ये अभी ये आपको मैं 26.5 इंच दिखा रहा हूँ। फार्मर हमसे ये 3 फीट 36 इंच तक ले सकते हैं। अच्छा। अगर किसी फार्मर भाई ने छोटी रोटरी चाहिए छोटी भी मिल जाएगी, अगर इससे बड़ी रोटरी लेना है जैसे उसकी जरूरत है वैसे ही हम उपयोग कर देंगे। सबसे बड़ी खासियत इसकी रोटरी में क्या है, एक तो इसमें गियर डलता है और इसका एक अलग से गियर है जो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जब आप रोटरी का गियर चलेंगे डालेंगे तो ही ब्लेड चलेंगे, अगर रोटरी में गियर नहीं डालेंगे तो ब्लेड नहीं चलेंगे, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और इसका जो हैंडल है ये आप इसको कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी एंगल पे। अच्छा। ये 180 डिग्री पे प्रॉपर घूम जाता है जैसे कि मैं अभी आपको घुमा के दिखा रहा हूँ। और इसका अप डाउन का भी बड़ा इजी सिस्टम है, जैसे कि आपने हल्का सा ये क्लैंप को छेड़ना है और कैसे भी आप इसको अप डाउन कर सकते हैं। जी 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 दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और काफ़ी हैवी क्वालिटी में इस तरह से देखिए पूरा ये मशीनरी आप लोगों को मिलने वाली है। और पावर मतलब काफ़ी पावरफुल दे रखा है सर मोटर। बिल्कुल जी, काफ़ी पावर 10 HP का है। कई बार बैक रोटरी फार्मर भाई मांगते हैं कि 7 HP में दे दो 8 HP में दे दो, भाई साहब 7 और 8 HP में ये कामयाब ही नहीं हो सकती। रीज़न क्या है, क्योंकि कुछ पावर तो इन टायरों में चली जाती है, फिर पीछे जो PTO के साथ ये बैक रोटरी लगी हुई है उसमें चली जाएगी पावर, तो प्रॉपर 10 HP की ही चलेगी। पीछे देख रहा हूँ ये टायर वगैरह लगा हुआ है, इसका क्या काम होता है, इसका क्या यूज है? इसका बड़ा उपयोग है, जैसे आपने खेत में चलना है वहां पे रोटरी की जरूरत नहीं है तो आप सीधा चलते जाएंगे, जब आपने रोटरी चलानी है ये नीचे हो जाएगा और आप इसको रोटरी चला पाएंगे तो टायर का उसमें उपयोग नहीं होगा। जैसे कि आपको मैं जहाँ पे दिखा रहा हूँ इसके जो ब्लेड है तो आप कितनी भी इसको डेप्थ में नीचे कर सकते हैं, कितना भी ऊपर कर सकते हैं, ब्लेड ऊपर नीचे हो जाते हैं। अगर आपने डीप करना है तो इसको नीचे कर दीजिए, अगर आपने कम जुताई करनी है तो इसको आप ऊपर कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं पूरे हैवी क्वालिटी में आप लोगों को देखिए इस तरह से पूरी मशीनरी मिल जाएगी और क्वालिटी देखिए मतलब चद्दर वगैरह की क्वालिटी पार्ट्स की क्वालिटी आप देख सकते हैं पूरे हैवी में आप लोगों को मिलने वाला, क्योंकि खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ आप लोगों को इस तरह से देखिए मशीनरी में ट्रैक्टर में कहीं नहीं मिलने वाला है आप लोगों को। तो मान लीजिए अगर कोई इसमें एडिशनल अटैचमेंट वगैरह लगाना चाहे तो क्या क्या अटैचमेंट वगैरह लग जाएगा सर? भाई साहब इसमें 35 से 40 अटैचमेंट लग जानी है। अच्छा, जैसे कि आपने जो यहाँ से रोटरी खोल देनी है जो जो नट दो नट लगे हुए हैं इसके बाद यहाँ से आपको सारी अटैचमेंट लगे जाएंगी। जैसे कि ये मैं आपको PDF फाइल में दिखाना चाहता हूँ, ये हमारे पास तकरीबन 40 तक अटैचमेंट हैं, ये सारी इसी में लग जाएंगी जी, मतलब हर तरीके से बेसिकली। अगर फार्मर भाई ने कोई अटैचमेंट देखनी होगी तो हम उनको PDF फाइल भेज देंगे, वो उसमें सिलेक्ट कर सकता है भी कौन सी अटैचमेंट इसके साथ लगाना है। क्या बात है, मतलब हर तरीके से बेसिकली फार्मर भाइयों के लिए ये मशीन काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली, हर तरह से आप अटैचमेंट लगा करके अपना फार्मिंग का काम कृषि का काम काफी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। मतलब घंटे का काम आप लोगों का चंद मिनटों में सेकंडों में कंप्लीट होने वाला है। और सर अगर मैं बात करूं तो क्या प्राइसिंग पड़ेगी अगर कोई मान लीजिए हमारे फार्मा भाई लेना चाहे तो? भाई साहब आज हमने इसका मुहूर्त किया है R150 का, नए साल 2022 है तो इसमें हमें नए साल पे इसी मशीन को अगर सेल्फ के साथ लेना है ये 1.5 लाख की देंगे, अगर किसी ने सेल्फ नहीं लेनी है तो हम 1,45,000 रुपया लेंगे। अच्छा जी, क्या बात है, तो इसमें सर डिलीवरी वगैरह सब इंक्लूड होता है? डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, घर तक डिलीवरी फ्री दी जाएगी, कभी भी डिलीवरी का पैसा हमने नहीं लिया, डिलीवरी घर तक फ्री दी जाएगी। अगर किसी फार्मर भाई ने हमसे मंगाना है मैं चाहता हूँ कंपनी में आए और खुद डेमो लेके देखें, कंपनी में हमारा गेस्ट हाउस भी है, रहने की व्यवस्था है। जो फार्मर भाई नहीं आना चाहते हैं तो आपने मात्र 5,000 रुपया अकाउंट में डलवा देना है और मशीन भेज देंगे, 5,000 से ज्यादा डलवाने की जरूरत नहीं है, या मशीन आपके राज्य में लास्ट डेस्टिनेशन में पहुंच गया तब आपने बाकी का पैसा देना है। अभी पूरा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, कैश ऑन डिलीवरी पे आप लोग देखिए इस तरह से मशीन मंगवा सकते हैं सर से बिना किसी टेंशन के। तो सर ये जो नई मशीन आपने लॉन्च की है हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो होना चाहिए सर इस पे? बिल्कुल करेंगे, आज तक हिंदुस्तान में कभी भी किसी को निराश नहीं किया है। बिल्कुल, आप इसमें स्पेशल 5,000 का स्पेशल डिस्काउंट करेंगे और सेल्फ वाली हम 1,45,000 और बिना सेल्फ के 1,40,000 रुपए में देंगे जो भी हमें इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजेगा, क्योंकि हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम कंपनी में बहुत सारे
मॉडल है तो हमें पता नहीं चलता कौन सा मशीन था। जो भी हमें हमसे आपसे वादा है भाई साहब और मेरे फार्मर भाइयों से भी वादा है, जो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजेगा उसको स्पेशल 5000 रुपया डिस्काउंट मिलेगा। तो सर जैसे मान लीजिए मशीन तो कोई ले लेता है, डिलीवर हो जाती है उसके एड्रेस पे, असेंबल कैसे होती है सर, कैसे इसको कोई असेंबल कर सकता है? भाई साहब देखिए आपकी बात सही है, जो मशीन बड़ी अगर घर पे असेंबल करना होगा तो नहीं हो पाएगी क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। तो भाई साहब हमने इसको प्रॉपर पैक करके ही भेजेंगे, असेंबल ही मशीन भेजेंगे। सिर्फ आपने जो ये रूटरी है ये अलग से भेजेंगे, सिर्फ ये दो नट आपने खोल के लगाने हैं और इसमें कुछ नहीं करना। और तेल आपने डाल देना है, जैसे कि 1 लीटर तेल इसमें आएगा, इंजन में आएगा, वो मैं आपके वीडियो के माध्यम से समझा देता हूँ। जहाँ पे ये नट ये लगा हुआ है नट, यहाँ से आपने 1 लीटर तेल 20W40 डाल देना है। फिर जो गियर का तेल है यहाँ से 2 लीटर आपने इसमें गियर ऑयल डाल देना है जो कि 90 नंबर का है, और यहीं से आपने ऐसे बंद कर देना है। बड़ा इजी है जी। और इसमें पीछे ये रूटरी है तो इसके अंदर ये नट लगा हुआ है, ये नट खोल के यहाँ पे गियर ऑयल डाल देना है। ना पड़ेगा सर गियर ऑयल की बात? यहाँ पे भाई साहब 300 ml डालना है, वही 90 नंबर का डाल लेना है। अच्छा आपने ठीक है, तभी तो ये खासियत है इस रूटरी की क्योंकि इसमें गियर ऑयल डालता है और खराब होने वाली नहीं है ये रूटरी। बिल्कुल। और सर वारंटी गारंटी क्या मिलती है? अरे भाई साहब ये तो पूछने की जरूरत नहीं, आप तो मेरी बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, हमेशा गारंटी देता हूं, वारंटी देता ही नहीं हूं। कुछ भी खराब हो जाए आपने फोटो भेज देना। पहले तो इस रूटरी में इतनी बेहतरीन बनाई है, कुछ खराब होने वाला भी नहीं है, फार्मर की गलती से भी खराब नहीं होगा। अगर फिर भी खराब हो गया है, हो सकता है खराब हो जाए, आपने फोटो भेज देना, जो भी खराब हो गया नया भेज दूंगा। बिल्कुल जी। बात करने की जरूरत मतलब नहीं है, हर तरीके से सपोर्ट आप लोगों को मिलने वाला है। आप टेंशन फ्री होकर के मशीन मंगाई दोस्तों और अपने काम को काफी ज्यादा आसान बना सकते हैं। यहाँ पर उम्मीद करता हूँ दोस्तों छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी, पसंद आई होगी, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप लोग लाते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं ताकि आप लोगों का काम काफी ज्यादा आसान हो सके। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला रहता है। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, कर दो यार लाल कलर का बटन होता है उसको दबा दो, उसे वाले घंटी का ऑप्शन होता है तो टर्न करके उसको मार दीजिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान ना करिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सफरनामा। धन्यवाद।